बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की वीडियो से कुछ सीख भी रहे होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का जो हमारा क्विज़ नंबर 2 आया हुआ उसके हवाले से। तो आइए हम लोग अपने क्विज़ की तरफ चलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्रोलेबल फैक्टर फॉर सक्सेस इन बिजनेस एक्सेप्ट। इसमें प्रोडक्ट नॉलेज है, रिस्पांस ऑफ मार्केट है, सिस्टम नॉलेज एंड स्टेट लॉ है। तो हमारे जो ऊपर वाले तीन फंक्शन है मतलब प्रोडक्ट नॉलेज, रिस्पांस ऑफ मार्केट एंड सिस्टम नॉलेज, दीज आर ऑल कंट्रोलेबल फैक्टर फॉर अ बिजनेस सक्सेस बट द स्टेट लॉ इज नॉट कंट्रोलेबल फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो फोर्थ वाला जो है हमारा इसका ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेप्ट। कौन सी चीज़ मतलब ऐसी है जो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बैरियर है एक को छोड़ के। टैरिफ है, कोटा है और एम्बार्गो है और इनकम टैक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास टैरिफ भी होता है, कोटा भी होता है और इनकम टैक्स भी होता है। तो इसमें जो थर्ड वाली है एम्बार्गो, तो ये हमारे पास मतलब बन जाएगा बैरियर इंटरनेशनल ट्रेड, ये नहीं है बल्कि ये कुछ और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी थर्ड का, फिल इन द ब्लैंक्स द डिस्क्राइब अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्किल एबिलिटीज एंड अदर कार्डिनलिटीज रिक्वायर्ड बाय अ जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, जॉब रोटेशन है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसमें तो जॉब का टाइटल डिफाइन किया जाता है और ये बताया जाता है कि आपने करना क्या है जी, ठीक है। और जो जॉब स्पेसिफिकेशन है ये इस बात को शो करता है कि विच स्किल यू हैव रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट जॉब, ठीक है, विच क्वालिफिकेशन हैव रिक्वायर्ड टू डू दैट जॉब, विच एबिलिटी डू यू हैव टू परफॉर्म दैट जॉब। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आती है। जॉब रोटेशन तो वो एक बंदे को एक पोजीशन से दूसरी जगह पे मूव करना होता है, तो इसलिए हमारा जो जवाब बनेगा वो सेकेंड वाला बनेगा, जॉब स्पेसिफिकेशन। सेकंड वाला जवाब हो गया जी। आगे फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन डिवाइस आर बेस्ड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कैंडिडेट। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, ये फिजिकल कंडीशन बताता है, मेडिकल टेस्ट है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो सेकंड वाला जो है मेडिकल टेस्ट, दैट विल डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कैंडिडेट। तो सेकंड वाला जो है ये हमारा इसका ठीक जवाब बन जाएगा। फिफ्थ नंबर पे है जी fill in the blanks is the process of locating, identifying and attracting capable applicant। इसमें फर्स्ट डाउन साइजिंग है, ये तो लोगों को निकाल देना होता है। सेकंड जो है ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री रिपोर्ट है, ये भी इससे रिलेवेंट नहीं है। थर्ड जो है वो रिक्रूटमेंट है और लास्ट वाला जो है वो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। तो रिक्रूटमेंट इज द प्लस प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल कैंडिडेट फॉर द एन ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड वाला जो है इसमें हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑर्गेनाइजेशन लाइक द दोज पीपल हु सी इररेगुलरिटीज दैट ऑर्गेनाइजेशन आर ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। ये ट्रू या फॉल्स पूछा गया तो ये हमारा ट्रू बन जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेड टू बी फेवरेबल और अ। ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड बैरियर है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो इसमें हमारा जो ट्रेड सरप्लस है दैट विल शो दैट आवर एक्सपोर्ट इज़ मोर देन द आवर इम्पोर्ट, के हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इम्पोर्ट जो है वो कम है। तो फर्स्ट वाला इसका ठीक जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एट वाला, टू और मोर देन टू ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट फॉर अ म्यूचुअल प्रॉफिट, देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी। उनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। इसमें फिर मर्जर है, जॉइंट वेंचर है और स्ट्रेटेजिक अलाइंस हैं और आई थिंक कि सारी जो हैं वो मतलब ऐसी हैं कि ये इकट्ठी होती हैं और फिर जो है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला टू गेट कैपिटा इनकम। कि हमारी पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसमें टोटल डिफिट डिवाइडेड बाई टोटल पेमेंट्स हैं। सेकेंड जो है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, फिर हमारा टोटल पेमेंट, टोटल डिफिट और फिर लास्ट पे टोटल इम्पोर्ट डिवाइडेड बाई टोटल एक्सपोर्ट। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो पॉपुलेशन के साथ कैलकुलेट की जाती है, तो इसलिए हमारा जो सेकंड वाला है दैट इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री एंड टोटल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो ये हमारा ठीक जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट। इसमें एथिकल एटीट्यूड टुवर्ड कस्टमर है, एथिकल बिहेवियर टू स्टेक होल्डर है, और डीलिंग विद एम्प्लॉयज है, और लास्ट में इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट है। तो हमारा जो लास्ट वाला है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। दोस्तों ये था हमारा क्विज MGT 211 का। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसमें से आपके 2 या 3 MCQs भी आ जाएँ। तो बिफोर सबमिटिंग योर क्विज प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड कमेंट में अबाउट योर व्यूज़ कि मैं वीडियोस कैसे बना रहा हूँ और उससे आपके लर्निंग का लेवल क्या है। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।